नमस्कार, दूरदर्शन किसान की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, पर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। आज़ादी के लिए देशवासियों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोग शामिल हुए, कितने ही फांसी पर चढ़ गए। महान था हर स्वतंत्रता सेनानी, कोटि कोटि नमन हर बेनामी और नामी स्वतंत्रता सेनानी को, जो आज़ादी की अलख जगाकर भूखे प्यासे बढ़ते ही गए और अंत में दीवाने जुनूनी आज़ादी लेकर ही माने। देश मेरा रंग रेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंग रेज ये बाबू। Oh,
सोने की चिड़िया है भारत। किस्सा ये मशहूर था, सारी दुनिया के माथे पर जैसे ये सिंदूर था। और ये सच ही तो है, प्राचीन काल से ही भारत अपने ज्ञान, अध्यात्म, धन, वैभव, विद्या, कला, कौशल में अद्वितीय रहा है। सैकड़ों हजारों वर्षों तक न केवल यूरोप बल्कि संसार के सभी मंडियों और बाजारों में भारत का ही माल आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। भारत और यूरोप के बीच का सारा व्यापार अरब और ईरान के सौदागरों के जरिए होता था। पुर्तगाल का वास्को डी गामा पहला यूरोपियन था जो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए 22 मई सन 1498 को भारत के मालाबार तट पर कालीकट के पास पहुंचा था और सन 1506 में गोवा नगर पर कब्जा किया। फिर कोठी, कोठी से किला, फौजें और कब्जा। फ्रांसीसियों का उद्देश्य भी यही रहा, लेकिन अंग्रेज सबके उस्ताद निकले। 16वीं सदी की शुरुआत के साथ पुर्तगालियों की हिंदुस्तान के साथ तिजारत बढ़ जाने के कारण पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का महत्व यूरोप में दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा था। तो चलते हैं सन 1578 में इंग्लिस्तान, ब्रिस्टल बंदरगाह, एक शराब खाना जहां लुटेरे हिंदुस्तान के लूटे हुए माल से मौज उड़ा रहे हैं। ये सब हिंदुस्तानी माल है जो हम सब ने लूटे मोटे, पिला और पिला, सबको पिला, मेरी तरफ से पिला। झूमते मचलते सागरों के बेताज बादशाह है हम, मेरी जान हम दिलबरों से लो, एक जाम और पियो तुम। झूमते मचलते सागरों से बेताज बादशाह है हम, मेरी जान हम दिलबरों से लो, एक जाम और पियो तुम। सन 1600 ईस्वी लंदन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फॉर द हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंपनी, चीयर्स। थैंक गॉड, महारानी एलिजाबेथ ने हमारे सभी प्रस्तावों को मानकर इंडिया में बिजनेस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का परमिशन दे दिया। Yes, that's right. सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाज हेक्टर हिंदुस्तान पहुंचा। जहाज सूरत के बंदरगाह में आकर लगा जो उस समय भारतीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। उस समय भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। जहांगीर ने अंग्रेजों को न केवल व्यापार करने, कोठियां बनाने और मुगल दरबार में एलची रखने की इजाजत दी। यह भी इजाजत दी कि वह अपनी बस्तियों में अपने कानून के मुताबिक अपने मुलाजिमों को स्वयं दंड भी दे सकते हैं। और इसी के चलते मुगल सम्राट ने कप्तान हॉकिंस से आगरा में मुलाकात की। मोरे
लंबे लंबे केश, मोरे पिया के लंबे लंबे केश, नैना सीले मंत्र जगाए, नैना सीले मंत्र जगाए, मोरे पिया के लंबे लंबे के। होशियार, कप्तान हॉकिंस पधार रहे हैं। हिंदुस्तान के बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कप्तान हॉकिंस का सलाम। खुश आमदीद, हिंदुस्तान की सरजमी आपका इस्तकबाल करती है। शुक्रिया बादशाह सलामत, हमारे बादशाह ने आपके लिए ये खत भेजा है। जरा पढ़िए तो। हिंदुस्तान के अजीम बादशाह, आपकी मुल्क की खुशहाली और आपके इंसाफ पसंदी की शोहरत समुद्री हवाओं के साथ बहकर पूरे यूरोप में फैल गई है। हम आपके मुरीद हो गए हैं और आपसे राजनैतिक तथा व्यापारिक रिश्ते बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। यह आपकी दरिया दिली और दयांत दारी से ही मुमकिन है। आपका जेम्स। हम आपके बादशाह के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। शुक्रिया आलमपना। हुजूर, ये लोग महाधूर्त, मक्कार और धोखेबाज होते हैं। जो भी हो आप फिक्र ना करें, और यदि वो यहाँ लूटपाट करेंगे, बदमनी फैलाएंगे, तो हम उन्हें सजा देंगे। तखलिया। औरंगजेब ने सूरत, विशाखापट्टनम आदि कई स्थानों पर अंग्रेजों की कोठियां जब्त कर ली और उन्हें निकाल बाहर किया। बंबई को भी घेर लिया। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही दिल्ली के शाही दरबार का दबदबा भी घटना शुरू हो गया था। सन 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में पराजित करके बंगाल में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी और इसके 100 वर्षों के अंदर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लगभग पूरे भारत में फैल गया था। स्वाधीनता संग्राम के नेता 31 मई 1857 को पूरे भारत में एक साथ क्रांति का बिगुल बजाना चाहते थे। मंगल पांडे इसके नायक थे। इंग्लैंड में जब 1857 के विद्रोह का समाचार पहुंचा तो कंपनी के शासन नीति की खूब आलोचना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और हिंदुस्तान में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हुआ। स्वदेशी अपनाना है। देश के टुकड़े करने वालों शर्म करो, शर्म करो। देश के टुकड़े करने वालों शर्म करो, शर्म करो। वंदे मातरम। 19वीं सदी के प्रारंभ से ही जहां एक ओर देश में विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं, क्रांतिकारी गतिविधियों, नरम और उग्र विचारों की सुगबुगाहट रही, वहीं अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधारों के प्रयास किए गए, शिक्षा और जागृति के लिए कार्य हुए, नए साहित्य का भी सृजन हुआ। वास्तव में यह भारत का नव जागरण काल था जिससे जनता जागृत हुई।
स्वदेशी आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा था। क्रांतिकारी दल भी अधिक संगठित और उग्र होते जा रहे थे। मार्च 1930 को 79 स्वयं सैनिकों के साथ गांधी जी ने साबरमती से 200 मील दूर दांडी समुद्र तट के लिए प्रस्थान किया और 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इसके साथ ही सरकारी कानून को चुनौती देते हुए पूरे देश में लोगों ने नमक बनाना और बेचना शुरू किया। सरकार ने भी नमक आंदोलन को बेरहमी से कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांधी जी ने इसे गुंडा राज कहा। सन 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी 1931 के दिन 30 अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ गांधी जी को रिहा किया गया। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। और इधर हिंदुस्तान में लॉर्ड विलिंगटन नया वाइसरॉय बना। उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बंगाल में फैली अशांति से घबराकर उसने तीनों प्रांतों में नए अध्यादेश जारी किए। जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान गिरफ्तार कर लिए गए। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौटे। सत्याग्रह पुनः शुरू हुआ। दद्दू दद्दू गजब हो गया दद्दू। क्यों, क्या हुआ? अमरन अनशन दद्दू। मगर क्यों भाई क्यों? अरे भाई,
हमारे देश में जो विविधता में एकता है, अंग्रेज उसे छिन भिन कर देना चाहते, हमें टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। ठीक कहते हो भाई, गांधी जी को यह बात देश के हित में ठीक नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बिल्कुल यही बात। राम राम दादा, राम राम, राम राम ताऊ, राम राम ताऊ। आओ छोटे छोटी, इतनी दूर का है बैठ रहे हो, हियाँ। नहीं दादा, हम यही ठीक हैं। नहीं दादा, हम यही ठीक हैं। आपके पास आके आपका धर्म ना ही बिगाड़ेंगे। अरे छोटी, अब तो हम स्वराजी हैं, देश को आजाद करना है, छोटा बड़ा ऊंच नीच सोचेंगे तो फिर लड़ चुके इन फिरंगियों से। गांधी जी ने कहा है स्वराज तो वापस आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा, पर हमारा देश धर्म और समाज पर ऐसे छुआछूत का कलंक लगा रहा तो ऐसा स्वराज का क्या महत्व। नौ अगस्त की भोर से पहले ही अहिंसा के पुजारी गांधी बाबा को कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल जाते जाते गांधी जी भारतीय जनमानस को यह संदेश देना नहीं भूले कि स्वतंत्रता के हर अहिंसक सिपाही को मेरा एक ही संदेश है, करो या मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयत्न से भारतीय सैनिकों में स्वतंत्रता की लहर शुरू हुई, और उधर 18 फरवरी 1946 को बंबई की नौसेना ने विद्रोह किया और जंगी जहाजों से अंग्रेजी झंडे उतारकर राष्ट्रीय झंडे फहरा दिए। फिर 22 मार्च सन 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता का हस्तांतरण कराने भारत आए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ।